हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एट ऑल में। तो दोस्तों, दिवाली आ रही है पर हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है और करना भी चाहिए। तो क्या इस बार हम दिवाली में अपने घर में लाइट्स नहीं लगाएंगे? हमारा घर इस बार अलग अलग कलर के लाइट से जगमगाएगा नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप घर पर बड़े आराम से ऐसे LED लाइट बना सकते हो जो कि बहुत इनोवेटिव भी होगी। आपके घर पे कोई आएगा तो आपसे पूछेगा भाई कि आप ये कहाँ से आपने ख़रीद के लाया, तो और ये बहुत मस्त होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसे बनाने में भी, और लगाने के बाद इसकी जो कलर है वो बहुत मज़ा आएगा आपको वो देखकर। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा बिल्कुल एकदम आहिस्ते आहिस्ते कि आप कैसे बना सकते हो, ताकि अगर आप आखिरी तक ये वीडियो देखते हो तो आप बिल्कुल आराम से उस चीज़ को बना सको। और अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, एक तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना, और आप सभी को दिवाली की विशेष। लेट्स गो एंड मेक दिस प्रोजेक्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। ये हमें एक इलेक्ट्रिकल स्क्वायर फिटिंग पाइप चाहिए होगा। आप इसे 20 रुपये में एक खरीद सकते हैं बड़े आराम से किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में। फिर हमें कुछ कॉपर वायर चाहिए होगा। आपको पता है कॉपर वायर क्यों चाहिए हमें? कनेक्शन के लिए। फिर हम कुछ मल्टी कलर LEDs लेंगे। ये आपको 1 रुपये का एक LED मिलेगा, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बड़ी पिन पॉजिटिव, छोटी पिन नेगेटिव। फिर हम एक स्विच लेंगे, ये ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करेंगे, एक स्विच एक बार के लिए। और एक DC जैक और होल्डर लेंगे। DC जैक और होल्डर आपको 3-3 रुपये पीस मिलेगा, और ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके बाद हम लेंगे रजिस्टर। तो जो हम रजिस्टर लेंगे वो 350 ओम का लेंगे और 1 वॉट का लेंगे। ये 1 वॉट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम एक DC अडाप्टर लेंगे 9 वोल्ट 1 एम्पियर का। इस एक ही अडाप्टर से आप 5-6 LED बार को पावर दे सकते हैं, इसीलिए 9 वोल्ट ले रहे हैं। अब हम अपना स्क्वायर पाइप लेंगे और उसमें 10-10 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे, और इसके अंदर में आप एक कार्डबोर्ड का एक पीस काट लीजिएगा जो इसके अंदर फिट हो जाए, और उसके बाद आप ये 10-10 सेंटीमीटर पे मार्क कर दीजिएगा। हम ये 10-10 सेंटीमीटर पर मार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें LEDs को 10-10 सेंटीमीटर पे रखना है। इक्वल डिस्टेंस पर रहने पर LED बहुत अच्छा दिखता है, इस वजह से हमने ये 10-10 सेंटीमीटर पर मार्क किया। अब हम LEDs को वीडियो में दिखाए तरीके से मोड़ेंगे और इस 10-10 सेंटीमीटर पे एक एक LED को फिक्स करेंगे। आप अच्छे से देख लें कि कैसे मैं मोड़ रहा हूँ LEDs को, और इसी तरह से आपको मोड़ना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि जो LEDs का जो पॉजिटिव है वो सारे LEDs का पॉजिटिव एक तरफ हो और नेगेटिव दूसरे तरफ हो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका LED सही से ऑन नहीं होगा। और फिर मैं ग्लू गन से इसे फिक्स कर रहा हूँ। आप इंस्टेंट ग्लू, फेविक्विक, किसी भी चीज़ से आप फिक्स कर सकते हैं। बस आपको इसको इस तरह से फिक्स करना है, और अब मैं वायरिंग करूँगा। आप टेंशन ना लें, मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा डायग्राम बना करके कि आपको कैसे वायरिंग करना है, और बड़े अच्छे से समझाऊँगा इसका वायरिंग। अभी आप देख लें कि मैं एक वायर लिया है, और जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं हमारे LEDs के, जितने भी पॉजिटिव लगे हैं सबको एक ही वायर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसी तरह से जितने भी नेगेटिव होंगे LEDs के उसे मैं दूसरे तरफ से कर दूंगा। और इसीलिए हमने कॉपर वायर लिया है क्योंकि इसे शोल्डरिंग करना बहुत आसान है, और मैंने हर जगह पर वैक्स लगाया है। वैक्स लगाने से आप शोल्डरिंग जो होता है वो बहुत आराम से हो जाता है, इसीलिए मैंने वैक्स का यूज़ किया है। आप भी वैक्स का यूज़ करें और बड़े आराम से शोल्डरिंग कम्प्लीट कर लें। आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक LED बार बनाने में। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बड़े आराम से इसे बना लिया है, इसका वायरिंग दोनों तरफ। बस मैंने बस 2 वायर लिया और सारे LEDs को उसी से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसमें स्विच फिट करेंगे। स्विच जो है उसे आप देख लें, इस स्विच को मैंने जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट था जिसे मैंने खोला था उसके ऊपर मैं मार्क करके स्विच का पोजीशन, स्विच का पार्ट को मार्क करके वहाँ काट करके स्विच फिट कर दूँगा। अब ये जो DC जैक होल्डर है इसका पोजीशन मैं मार्क करूँगा और फिर कट कर दूँगा, और इस तरह से ये बहुत सेफ भी हो जाएगा, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा भी इसे छुएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो नेगेटिव है इस पूरे एक वायर से जो मैंने पूरे नेगेटिव कनेक्ट किया था उसे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और उसे एक
टर्मिनल पे, स्विच के टर्मिनल पे लगा दिया और दूसरे स्विच के टर्मिनल से निकाल करके मैंने डीसी जैक जो था उसके होल्डर पे लगा दिया और दूसरा पॉजिटिव जो था उसे डायरेक्ट मैंने डीसी जैक होल्डर पे लगा दिया। और उसके बाद मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ बंद करके कि यह सही से बंद हो रहा है। हाँ, सही से बंद हो रहा है। उसके बाद मैं इसे खोल करके ग्लू गन से सब कुछ को सही जगह पे फिक्स कर दूंगा और फिर ये बंद करके तैयार हो गया। अब जो हमारा डीसी अडैप्टर है उसका वायर बहुत छोटा रहता है तो मैं उसे कट करके बड़ा करूंगा क्योंकि हमें अपने घर में अलग अलग जगह पे इसे फिक्स करना होगा और उतने छोटे वायर से हम इसे आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकते तो हमें अपने हिसाब से इसे बड़ा करना होगा। इसकी भी वायरिंग मैं आपको तुरंत थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर देखिए छोटा वाला जो था टर्मिनल उसे मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और जो बड़ा वाला टर्मिनल था उसे नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसका कवर मैंने लगा दिया और अब हमारा ये जैक भी रेडी है। इसे मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सही से ये काम भी कर रहा है अलग अलग रंगों के साथ। तो चलिए अब हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं एक बार सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। ये बहुत ही सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने LEDs को यहाँ पे चार पांच LEDs को दिखाया है जैसे मैंने कनेक्ट किया था उसी तरह से। तो मैंने आखिर कैसे कनेक्ट किया था वो आप देख सकते हैं। मैंने सारे को पैरेलली कनेक्ट किया है सारे LEDs को। उसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं एक वायर लिया मैंने और सारे LEDs के नेगेटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया एक साथ। उसी तरह से मैंने दूसरा वायर लिया है और सारे LEDs के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। LEDs का मैंने पहले भी बताया था कि बड़ा जो लेग होता है LED का वो पॉजिटिव होता है और छोटा लेग नेगेटिव होता है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे से हमने नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब रेजिस्टेंस में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है इस वजह से हम इसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो लेग होगा और रजिस्टर का उसे हम कनेक्ट करेंगे आपका इस नेगेटिव से और दूसरा जो लेग होगा उसे हम अपने स्विच के एक लेग से कनेक्ट करेंगे और जो स्विच का जो दूसरा लेग होगा उसे हम ले जाके ये जो डीसी जैक का जो होल्डर है उसके नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा डीसी जैक है और ये देख सकते हैं आप, ये जस्ट इसके नीचे जो ये जो पिन रहता है ये वाली पिन, ये होती है आपकी नेगेटिव पिन। इस पिन से हमें ये स्विच को निकाल, स्विच से जो वायर निकाला है उसे इससे कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वायर जो है उसे डायरेक्ट ले जाके हम इसके इस वाले पॉजिटिव वाले वायर से कर देंगे। ये जो जस्ट इसके पीछे जो होता है आप ये देख सकते हैं, ये जो इसके पीछे वाली जो ये पिन है ये पॉजिटिव पिन है, हम इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो हमारा इसका कनेक्शन हो गया। अब जो हमारा डीसी जैक होता है जो इसके अंदर लगेगा उसका भी कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे जो अडैप्टर है उसमें छोटा वायर रहता है तो हम कट करके उसे बड़ा करेंगे अपने हिसाब से। अगर आपको अगर बालकनी में लगाना है तो आप अपने हिसाब से उसे कट करके उसमें एक्स्ट्रा वायर जोड़ के करेंगे। तो मैं बता देता हूँ इसका भी वायरिंग आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अडैप्टर है, इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के पास है और यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जो इसकी जो छोटी पिन रहेगी, छोटी पिन यानी कि आप देख सकते हैं ये वाली पिन, ये जो पिन है ये छोटी पिन, ये पिन जो है ये पॉजिटिव वायर से आप कनेक्ट करेंगे और ये जो बड़ी पिन है ये आप देख सकते हैं बड़ी पिन, ये बड़ी पिन है, इस बड़ी पिन को आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे जो आपका एडाप्टर का नेगेटिव होगा और इस तरह से आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अब इसका हम टेस्टिंग करते हैं। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ये ऑन है। अब मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए वाओ कितना सुंदर दिख रहा है, इसमें आप सारे कलर्स को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे ये और ब्यूटीफुल हो जाए। जितने भी लाइट्स जल रहे हैं आप उनके ऊपर मार्क कर लें और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने सारे मार्किंग कर लिए हैं और इन मार्किंग के ऊपर अब मैं क्या करूँगा, इसे खोल लूँगा और इन मार्किंग के ऊपर शोल्डरिंग मशीन से छेद कर लूँगा। शोल्डरिंग मशीन से बड़े आराम से ये छेद हो जाएगा। और ये छेद क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं ग्लू गन स्टिक जो रहता है उसे डाल सकूँ। आपको ग्लू गन स्टिक के साइज़ का ही छेद करना है और आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। अब मैं ग्लू गन स्टिक को, एक स्टिक को दो या तीन पार्ट में काट दूंगा और उसे अच्छे से छील के मैं एक अच्छा लुक देने की कोशिश करूंगा जिससे कि वो अलग अलग डिज़ाइन का बन जाए। उसके बाद फिर मैं इस तरह से ग्लू गन स्टिक को के पीछे के भाग को शोल्डरिंग मशीन से हल्का जो है ढीला कर दूंगा जिससे कि वो चिपक जाए अपनी जगह पे और फिर उस छेद के अंदर डाल दूंगा। और अब मैंने इसे अपने बालकनी पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये 2-in-1 सिस्टम है,
बहुत सही से ये काम करता है। आप चाहें तो इसके ऊपर ये ग्लू गन स्टिक लगा सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं, बहुत सुंदर लगेगा, तो आप अब इसे एंजॉय कीजिए।